जी हाँ साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर एक्सक्लेमेशन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ मैथमेटिक्स में एलजेब्रा का एक शॉर्टकट मेथड का डिस्कशन करेंगे, जिससे कई प्रकार के कंपटीशन एग्जाम जैसे SSC, MTS, CHSL एंड CGL के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो चलिए साथियों, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों तो ट्रिक देखिए, मेरा लिखा हुआ है, यदि x प्लस वन वाई एक्स इक्वल टू एन हो तो x² + 1/x² = n² - 2 होगा। एकदम ध्यान से देखिए, यदि x + 1/x = n हो तो x² + 1/x² = n² - 2 होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक एग्जांपल देखिए, जिसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है CDS के। देखिए एग्जांपल नंबर 1, यदि cos A + AK = K हो तो sin² A - tan² A का मान है ऑप्शन ए 4 - K, ऑप्शन बी 4 - K², ऑप्शन सी K² - 4, ऑप्शन डी K² + 2। कुछ नहीं करना है साथियों, आप सबसे पहले देखिए, यहाँ x है तो x की जगह इसमें cos A है, यहाँ है 1/x, तो बताइए sec A को 1/cos A भी तो लिख सकते हैं, sec A को 1/cos A लिख सकते हैं, यानी कि इस पैटर्न पर आ गया, x + 1/x = n है मेरा ट्रिक में दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मेरा प्रश्न में cos A + 1/cos A = K। तो सबसे पहले निकालिए आप cos² A + 1/cos² A का मान क्या होगा, cos² A + 1/cos² A का मान होगा आपका K² - 2, K² - 2 होगा, यानी कि cos² A + sec² A का मान मेरा आ गया K² - 2। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, cos² A बराबर होता है 1 - sin² A। अब ध्यान बढ़िया से बता देते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए जैसे मेरा प्रश्न दिया हुआ है ना cos A + sec = K, तो सबसे पहले निकालिए cos² A + sec² A = K² - 2 होगा, cos² A का फॉर्मूला 1 - sin² A + sec² A का फॉर्मूला 1 + tan² A = K² - 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक यहां बचा हुआ है, एक यहां बचा हुआ है, इधर 2 है जो माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 माइनस, इधर K² प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में -K² = 2, इधर sin² A माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो sin² A, इधर tan² A प्लस में है यहां देखिए, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो मेरा आ गया कि sin² A - tan² A = 4 - K², यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 4 - K² 4 - K² अगर आपको अभी भी ये ट्रिक समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और देखिए साथियों। तो अब इसी ट्रिक पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो SSC CHSL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले ट्रिक को फिर से समझ लीजिए, यदि मेरा प्रश्न में x + 1/x = n हो तो x² + 1/x² = n² - 2 होगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर एग्जांपल नंबर 1 मैंने पहले समझाया कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पिछला क्वेश्चन CDS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन SSC CHSL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से देखिए उसके पैटर्न पर नहीं है, लेकिन हमको इसके पैटर्न पर इस इक्वेशन को लाना है। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन मेरा दूसरा, x^4 - 12x² + 1 = 0 हो तो x^4 + 1/x^4 का मान है ऑप्शन ए 142, ऑप्शन बी 146, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 144। तो आप हड़बड़ाइए नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको इस पैटर्न पर लाएंगे, x + 1/x = n पर। तो क्या करना है साथियों, देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² + 1 = बीच में है -12x² माइनस में है ईपटी, तो ईपटी जाएगा तो +12x² हो जाएगा +12x². अब क्या करते हैं कि दोनों साइड में जो x² से भाग देते हैं, दोनों साइड में x² से भाग देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, फिर इसको अलग अलग करेंगे तो x² + 1/x² कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा 12, x² + 1/x² = 12। अब देखिए तो इसके पैटर्न पर नहीं आया x + 1/x = n पर, यहाँ x है तो यहाँ सिर्फ x² है, यहाँ 1/x है तो यहाँ 1/x² है, यानी कि वहाँ x है तो यहाँ x² है, तो इसमें x² + 1/x² पूछा गया था तो n² - 2 किया गया था, इसमें x^4 पूछा गया है, यानी कि x^4 + 1/x^4 = n² - 2, यानी कि 12k² - 2 = 144 - 2 होगा, यानी कि मेरा कितना होगा 142। तो आप देखिए 142 कौन सा ऑप्शन में है, 142 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, 142। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और बताते हैं, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो फिर से ट्रिक को समझ लीजिए, यदि प्रश्न में इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ हो, x + 1/x = n हो तो x² +
वन बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू होगा। इस अब पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर तीन, यदि टेन ए प्लस कॉट इक्वल टू थ्री हो तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान है ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है देखिए, तो x के जगह क्या मैंने लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। अच्छा वन बटा कॉट कॉट ए को वन बटा टेन लिख सकते हैं, कॉट ए को वन बटा टेन लिख सकते हैं। जैसे देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया हुआ है टेन ए प्लस कॉट, तो टेन ए प्लस ओ वन बटा टेन लिख सकते हैं बराबर थ्री। देखिए तो एक्स की जगह टेन है, यहाँ भी एक्स की जगह टेन है, तो एक्स प्लस वन बटा एक्स इक्वल टू एन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू होता है। तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस ओ वन बटा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू नाइन माइनस टू यानी कि सेवन। फिर मेरा टेन स्क्वायर ए वन बटा टेन स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं, इसलिए टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू मेरा सेवन होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों अगर हमारा ये सेशन आपके लिए सिग्निफिकेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद साथियों, इसी प्रकार के ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।